हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जब एक आदमी ये सोचता है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो उसकी जर्नी उसके टेंथ के बाद ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि टेंथ के बाद 11th में जाके उसे साइंस लेनी पड़ती है और साइंस में भी PCB लेनी पड़ती है। जब एक बच्चा PCB में एडमिशन लेता है तो उसका टोटली फोकस जो होता है मेडिकल करियर में होता है। मतलब अगर वो डॉक्टर ना भी बनेगा तो उसे जो भी करना है उसे मेडिकल लाइन में ही करना होता है। और PCB में मेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होता है, जो कि आगे जाके हमारी मेडिकल की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इंडिया में आपको डॉक्टर बनने के लिए कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसका नाम है नीट। नीट का एग्ज़ाम बोर्ड के एग्ज़ाम के लगभग 1-1.5 महीने बाद होता है नॉर्मली, बट आज के टाइम में लॉकडाउन और कोरोना के चलते ये सब आगे पीछे पूरा इसका शेड्यूल बिगड़ा हुआ है। तो वो डिटेल के हिसाब से जब भी गवर्नमेंट का नोटिस आता है उसके अकॉर्डिंग होता है। अब बात आते हैं नीट के एग्ज़ाम में आता क्या है। नीट के एग्ज़ाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दोनों की दोनों 11th 12th के बेसिस पर आती है, जिसमें कि बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में पूरा NCERT बेस्ड आता है, और जिसमें कि 360 नंबर की बायोलॉजी, 180 मार्क्स की केमिस्ट्री एंड 180 मार्क्स की फिजिक्स आती है। टोटल के हाफ मार्क्स की बायोलॉजी आती है और हाफ मार्क्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आते हैं। अब बच्चे की सबसे पहला रुकावट आता है सिलेक्शन के मामले में फिजिक्स का, क्योंकि फिजिक्स एक बायोलॉजी स्टूडेंट को हमेशा से ही टफ लगती है और उसकी बायोलॉजी पर कमांड होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि उसको आगे जाके बायोलॉजी ही पढ़नी है। बायोलॉजी पर तो बच्चे की कमांड होनी ही चाहिए। उसके बाद बात करें सिलेक्शन की, तो अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है तो आपकी एस्टिमेटेड फीस लगभग 20,000 से लेकर 7 लाख रुपए तक के होगी, और अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट की फीस 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक होगी। ये डिपेंड करता है आपका एडमिशन किस कॉलेज में होता है और आपके नीट में मार्क्स कितने हैं। अब बात करें इंडिया के सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज की, तो इसके मामले में एम्स दिल्ली का नाम आता है। एम्स दिल्ली इंडिया का सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज माना जाता है, इसके अंदर सबसे बेस्ट डॉक्टर और सर्जन निकलते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपने सोचा आपको नीट के लिए प्रिपेयर करना है तो 10th 11th एक बेस्ट टाइम है नीट के लिए प्रिपेयर करने का, क्योंकि यहाँ से जो नीट का बेस बनता है और बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आगे जाके आपको दिक्कत नहीं होगी और आपका कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम बहुत ईजिली निकल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।